हेलो फ्रेंड्स, फूडी सास किचन में आपका स्वागत है। आज हम मेथी के थेपले बनाएंगे और ये एकदम सॉफ्ट और एकदम नरम बन के तैयार होंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे और ये गुजराती स्टाइल से एकदम बना के तैयार करेंगे और आप इसको सफ़र में भी ले जा सकते हैं। 2 से 3 दिन तक तो ये ख़राब नहीं होंगे और आप इसमें अगर सफ़र में ले जाना चाहते हैं तो क्या नहीं डालना है और क्या इसमें ऐड करना है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए हमें मेथी को अच्छे से धो के बारीक कट कर लिया है, तो वो 1.5 कप मेथी हमें लेनी है। तो ये 1 कप हमने डाल दिया है और ये 1/2 कप और ऐड कर देंगे। अभी हमने इसमें 1/4 कप जितना हरा धनिया डाल दिया है। मेथी का टेस्ट आपको कम पसंद है तो आप हरा धनिया ज़्यादा ले सकते हैं और मेथी कम ले सकते हैं। और अभी हम सारे मसाले डाल देंगे, तो हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून और हींग डाल देंगे चुटकी भर और ये 2 टेबलस्पून जितने तिल डाल देने हैं और ये हरी मिर्च की पेस्ट डाल देंगे 1 टीस्पून और ये गुड़ का पाउडर ले लेंगे, ये हम 1 टेबलस्पून जितना ऐड कर रहे हैं। आपके पास गुड़ का पाउडर नहीं है आप तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं या तो गुड़ को अच्छे से ग्रेट करके पानी में मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। और अभी हम इसमें 2 टेबलस्पून जितना तेल डाल देंगे और ये 1/2 कप हम दही डाल देंगे, ये नॉर्मल खट्टा दही है वो डाल देंगे। और अभी हम इसमें 1/4 कप जितना बेसन या चने का आटा डाल देना है जिससे कि थेपले एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। और ये 1.5 कप हमने गेहूं का आटा लिया है, जो रोटी बनाते हैं वही आटा लेना है और इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो पहले हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पहले हाथ से ही हमें एकदम अच्छे से मसल के इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो अभी हम इसमें 1 टीस्पून जितना फ्लेक्सीड पाउडर डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या तो स्किप भी कर सकते हैं। मैं ज़रूर से डालती हूँ क्योंकि फ्लेक्सीड बहुत ही हेल्दी होती है। और इसका पाउडर किस तरह से बनाना है आप मेरे को कमेंट करके बताना, तो मैं आपके साथ ये रेसिपी जरूर से शेयर करूँगी। तो अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और रोटी से थोड़ा कड़क आटा हमें लगा के तैयार करना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका आटा गूंद लेंगे। तो ये देखिए हमने आटा गूंद के तैयार कर लिया है। अभी 1 टीस्पून जितना ऑयल ले लेंगे और इसको एकदम अच्छे से मसल लेंगे। आटे को अच्छे से मसल के तैयार करना है तभी हमारे पराठे एकदम अच्छे से बन के तैयार होंगे, एकदम सॉफ्ट पराठे हमारे पतले पतले बन के तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें अच्छे से मसल के इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के हम रख देंगे, तो आटा एकदम अच्छे से गल जाएगा और पराठे एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, इसको एक बार अच्छे से और मसल लेंगे। तो ये आटा भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है और इसको अच्छे से मसल के हम इसकी एक लोई तोड़ लेंगे मीडियम साइज़ की। इस तरह से हमें मीडियम साइज़ की एक लोई तोड़ लेनी है। आपको जितने पतले बनाने हैं उस तरह से आप छोटे या बड़े बना सकते हैं। तो अभी हम इसको सूखा आटा लगा के बेल लेंगे, तो एकदम पतला हमें रोटी के जितना ही पतला बेल के तैयार करना है तभी हमारा थेपला मार्केट जैसा एकदम सॉफ्ट और पतला थेपला बन के तैयार होगा। तो ये देखिए पतले थेपले हमारे बन के तैयार हो गए हैं, इस तरह से देखिए हमने बेल लिया है, इतना पतला हमें रखना है। तो अभी हम तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तवा हमारा एकदम अच्छे से गर्म हो गया है, अभी हम इसको स्लो फ्लेम पे एक तरफ से अच्छे से सेक लेंगे और अभी गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी इस तरह से सेक लेना है। और अभी तेल लगा देंगे दोनों साइड इस तरह से और इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सेक लेना है। तो ये देखिए थेपला हमारा दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है, दूसरा थेपला भी हम इसी तरह से सेक लेंगे, एक तरफ से स्लो फ्लेम पे और दूसरी तरफ से मीडियम फ्लेम पे सेक लेना है और दोनों तरफ ऑयल लगा के अच्छे से हमें इसको सेक लेना है। तो इस तरह से हम सारे थेपले बना के तैयार कर लेंगे। और आपको इसको सफ़र में ले जाना हो आप दही की जगह पे नींबू का रस डाल दीजिएगा, तो आपके थेपले 5 से 6 दिन के लिए ख़राब नहीं होंगे और एकदम सॉफ्ट और एकदम फ्रेश रहेंगे। और इस रेसिपी से आप थेपले बनाएंगे तो आपके थेपले भी एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगे और आप इसको लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं और फिर भी ये ख़राब नहीं होंगे। और इस तरह से मेरी रेसिपी से थेपले बनाएंगे तो एक बार में परफेक्ट थेपले हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। तो हमने सारे थेपले बना के तैयार कर लिए, देखिए दिखने से ही लग रहे हैं ना एकदम मार्केट स्टाइल थेपले और एकदम गुजराती स्टाइल पतले पतले और एकदम सॉफ्ट थेपले हमारे बन के तैयार होंगे। देखिए एकदम सॉफ्ट और पतले थेपले बन के तैयार हुए हैं, इस तरह से ठंडे होने के बाद तोड़ेंगे तो भी ये एकदम सॉफ्ट रहेंगे और एकदम पतले और एकदम सॉफ्ट थेपले बन के तैयार होंगे। ये देखिए आप इसको
ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, लंच में, डिनर में खा सकते हैं और आप इसको सफर में ले जा सकते हैं, बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। आपको इसको दही के साथ, चटनी के साथ और अचार के साथ, और आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये थेपले या पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं, मेथी के थेपले या पराठे। तो आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।